लाखरी पिटाई मेरी हुई थी जब मेरी शादी हो गई थी। बचपन से एक लड़की पसंद की। कितने बचपन से आपने आंखों में? मैंने कुछ 13-14 साल की उम्र से, और उसी लम्हे जब मैं पिट रहा था तो मेरे ससुराल वाले एंटर हो गए। वालदा का जो इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, आपकी शख्सियत के ऊपर, उसको अगर आप डिस्क्राइब करेंगे तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? है तो मेरे ख्याल इतना ही कहना काफ़ी है कि मेरे पास मेरा कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है वो अल्लाह ने मुझे मेरे माँ बाप के वसीले अता किया है। तो मेरी पूरी शख्सियत जो है वो कहीं ना कहीं वालिद साहब से और वालदा से ही मेरे अंदर आई है। तो ज़्यादा किसका इन्फ्लुएंस रहा आपके ऊपर? वालिद का। वालिद ने मारा बेटा? अब्बू से हम बहुत कुटे हैं। मैं तो बहुत कुटा हूँ। बड़े भाई और बहन, बड़े भाई की भी मैं सुनता था पिटाई बहुत हुई है, बहन को कभी उन्होंने हाथ नहीं लगाया, लेकिन मेरी तो याद है ना मुझे एक एक पिटाई। मेरे अब्बा ने कूटा, और इस तरह कूटते थे अब्बा हमारे कि मुक्का हो, लात हो, घूसा हो, क्या पड़ रहा है, कब पड़ रहा है, ना उनको पता ना हमें पता। नहीं यार। और एक बड़े मजे का वाक्य सुना, बहुत गुस्से वाले। किस बात का गुस्सा था ज्यादातर? मुझे लगता है कि जो लाइफ के प्रेशर्स थे उनके ऊपर, वो उसे शायद एक हद तक तो कंट्रोल कर पाए, एक हद के बाद नहीं कर पाए। और मैं चूंकि बहुत शरारती, अम्मी को तो मार मूड नहीं करते, मारते थे? नहीं, नहीं नहीं नहीं, अम्मी के लिए तो कभी नहीं हमने, बल्कि कभी अम्मी बीच में आती थी ना मुझे बचाने के लिए, तो गुस्से में कहते थे बीवी आप हट जाइए बीच में से। बीवी बीवी वैसे नाम लेते थे नाराजगी में, बीवी आप हट जाइए बीच में से, ये मैं जानू ये जाने। बड़ी पेट्रियार्कल सिस्टम में आपने जिंदगी गुजारी। नहीं बड़ा मतलब ऐसे खौफ नहीं। अच्छा ऐसा खौफ, मैं आपको एक और बड़े मजे की बात बताऊं। एक अजीब सा रिश्ता था, कभी दोस्ताना भी हुआ? अरे जनाब ऐसे आदमी जो इतना मार रहा उसके बाद क्या करते? देखें यही तो एक गिल्टी फील थी, करते थे, करते होंगे, मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन करते होंगे। तभी रिलेशनशिप में ये था, इतना पिटने वाला बच्चा अगर किसी लड़की को माशरे में देख के पसंद कर रहा है तो वो पहले किसे बताएगा? अपने दोस्त यारों में जिक्र कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा अपनी बहन को बता देगा। हम सबसे पहले अपने अब्बा को बताने पहुंचते थे, ऐसी दोस्ती भी थी। नहीं तो बड़े हो गए होगे ना फिर? नहीं मतलब 13-14 साल की उम्र में मारते रहे अब्बा यार। लाखरी पिटाई मेरी हुई थी जब मेरी शादी हो गई थी और मेरी पहली बेटी हो चुकी थी यार, ये आखिरी पिटाई। मैं यकीन कर लूं इस बात पे, जब तुम्हारी शादी हो चुकी थी, किस बात पे भाई? मारने पीटने में जरा सा फर्क आता चला गया इस पूरे। अभी हालांकि अभी पहला एक सेगमेंट ही शुरू हुआ है, लेकिन मुझे तुम पे बड़ी शकू। मुझे खुद मतलब इतने शरीफ आदमी को तो मजबूर करते रहे कि वो तुम्हें मारे। नहीं मैं शैतान बहुत था, बहुत शरारती। मानते हो तुम इस बात? मानता हूं। लगता है कि वालिद की गलती, तुम बाज ही नहीं आ रहे हरकतों से। बहुत बहुत शरारती, तंग करने वाला बच्चा। मसलन कोई किक बताओ, तंग आके कहीं। हां मतलब क्या ऐसी शरारती, मतलब हमें बता ही दो, अब तो पुरानी बात हो गई। लड़कों की जो होती है, जैसे एक हम फ्लैट्स मुझे याद है अल नसीर स्क्वायर, जब हम वहाँ पे गए तो वो कंस्ट्रक्शन भी साथ साथ चल रही थी, और वो फ्लैट जो बुक करवाया हुआ था अम्मी अब्बू ने मेरे, वो भी हमें मिल गया था, तो दूसरी बिल्डिंग में काम हो रहा था। तो अब कुछ नहीं है ना शरारत करने को, तो वो बजरी आके गिरती थी, ट्रक गिराते थे और उनका काम चल रहा था, तो वो अधूरी बनी हुई बिल्डिंग में ऊपर फ्लोर पे जा के कूदना, पहले पहले बड़ा मजा आया क्योंकि वो मट्टी का एक ढेर था, तो पहली मंजिल से फासला कम था, फिर सीढ़ियां चढ़ के दूसरी मंजिल की गैलरी में गया, वहां से कूदा। फिर आप सोच रहे कि पांचवी माले से आप गिरे तो कितना लगेगा? अब जो बच्चा ऐसी हरकतें करे वो पिटेगा ना। अब्बा ने देख लिया ये, अब्बा को पता चल गया, अब्बा ऑफिस गए हुए थे उस वक्त, बाद में पता चला तो कुट पड़ी खूब। मारा? हां पिटाई होती। अच्छा मारते किस तरह? दरवाजा बंद करके? दरवाजा बंद करके। तो शादी के बाद बता रहे थे क्या वो शादी का? ये बड़ा शादी के बाद। कितनी उम्र में शादी हुई आपकी? मेरी 20 साल की उम्र। कितनी देर से शादी क्यों की आपने? बस भाई क्या करें, वो वक्त मैंने कहा कर ही लेते हैं, इतना वक्त नहीं आपको। बहुत ही मुझे लगता है आखिरी वक्तों में की आपने शादी। देखिए मैंने आपको बताया ना, मैं बड़ा एक नॉर्मल बच्चों से जरा मुख्तलिफ बच्चा था, मुझे हर काम वो करना होता था जो किसी और जो मेरा काम था नहीं, और जल्दी करना होता था बस, तो जल्दबाज होने की वजह से। नहीं तो क्या आपने उस तक अपनी तालीम खत्म कर मुश्किल से की होगी? मेरी ग्रेजुएशन हुई हुई थी। काम शुरू कर दिया कोई काम, नौकरी इवन यूं शुरू की उस जमाने में, हालांकि अब्बू चाहते थे मैं और पढ़ूं, लेकिन इसलिए शुरू की कि मुझे शादी जल्दी करनी है तो मेरे पास कोई काम होना चाहिए। शादी काम क्यों जल्दी थी? कोई शुरू में पसंद आ गया? पसंद आई थी बचपन से, एक लड़की पसंद की बचपन से, वही उसी से शादी? उसी से शादी। कितने बचपन से आपने आंखों में? मैंने कुछ 13-14 साल की उम्र से,
उनसियत नहीं हो जाती सात बच्चों में, उसी तरह एक उनसियत हुई भी थी। वो बाद में डेवलप होके एक इश्क की शक्ल इख्तियार कर लेगी, ये मुझे पता नहीं था लेकिन हो गई, और फिर उसी से शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आप कुछ करते तो थे नहीं? नहीं, मैंने जॉब शुरू कर ली थी, मैं ट्यूशंस पढ़ाने लगा था, मैं एक सेल्स की जॉब थी यार, लेकिन 20 साल में अब्बा अम्मा ने कह दिया ओके ठीक है। अब्बा ने कहा, अम्मा गुस्से में थी, अम्मा नहीं राजी थी इस बात पे, लेकिन अब्बा ने कह दिया था ठीक है। अब्बा अम्मा की भी शादी जल्दी हो गई थी क्या? नहीं, अम्मा की शादी और अब्बा की शादी अच्छी उम्र में, अच्छी उम्र में 25, 27, 28, 30 साल यही रही होगी। राइट, तो अम्मा पढ़ी लिखी थी आपकी? दोनों अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी अब्बू दोनों। अम्मी डबल एम में थी, एमए जी अल्हम्दुलिल्लाह, वाले साहब भी मेरे माशाल्लाह हैं। यार बड़ी अफसोस की बात है कि डबल एम ए माँ का एक बीएससी पास बच्चा, बड़े शर्मिंदगी। मगर शादी मुझे शौक नहीं था, शादी की बताऊं नहीं, आपको शादी का शौक था? शादी का शौक, ऐसे शौक भी लोग पालते हैं, ये भी बड़ा एक मुस्तकिल शौक है। अभी तक चल रहा, अभी तक चल रहा, बहुत अच्छा हो गया, हालांकि कोई उसमें कमी नहीं आई। नहीं बल्कि मुझे लगता है कि वक्त के साथ बढ़ती चली जाती है, और मेरी तो बढ़ रही है। बढ़ रही है क्योंकि जरूरत तुम्हारी बहुत ज्यादा है। दो एम ए पास किस चीज में? उन्होंने उर्दू अदब में किया। उर्दू अदब, शेर शायरी भी करती थी? हमारे घर में होती थी महफिलें, कुछ दोस्त थे उनके, मुझे बचपन की कुछ यादें हैं, नाम तो नहीं याद, कुछ शोरा कराम भी आया करते थे, हम चाय बना बना के बस ट्रे में रख के ले जाते थे, तो हमारे घर में महफिलें होती थी उर्दू की, अदब की, शायरी की, दूसरे के साथ बातचीत। अब्बा को भी शौक था? अब्बा को बहुत शौक। ये तो बड़ी अच्छी बात है यार। मेरी वालदा राइटर भी रही हैं, उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी थी अपने जमाने में। जो तुमने गवा दी उसको प्रिंट करवाया तुमने? मेरे पास है एक आध प्रिंट। प्रिंट करवाओ। फासले दिल के, मुझे नावल का नाम। वाह वाह। तो दो शीजा में मुख्तलिफ रिसालों में भी लिखा करती थी। अच्छा। मेरी खाला भी लिखा करती थी, वो भी अभी इस दुनिया में नहीं है, मुनव्वरा नूरी खलीक के नाम से, तो वो भी लिखती थी, तो अदब से ताल्लुक था। बड़ी उनकी तहरीरें। क्या उनके ऊपर तुम तनकीद भी किया करते थे अपनी वालदा के सामने? नहीं, हमें तो नहीं इतनी समझती। नहीं, कभी उन्होंने आपको इसके समझाने की कोशिश भी नहीं की? नहीं, मेरा ख्याल है कि तरबियत में ही जो चीज़ें आ जाती हैं घर में, बातचीत सुन के, लोगों से मिल के, वही चीज़ें आती रही। बाकायदा बिठा के कुछ सिखाना है सच मुझे याद नहीं, लेकिन इनहेरिटेंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कुछ आप घर में मेहमान आते हैं, बातचीत होती है, उसी को सुनते हुए कुछ बातें बच्चों के अंदर उतर जाती हैं, तो यूँ एक सिलसिला तो रहा। कितने करीब से वालदा? मैं अम्मी के बहुत, मैं अम्मी अब्बू दोनों के बहुत करीब। अपनी बहन और भाई से ज्यादा? ज्यादा। बहन से ज्यादा तो नहीं होती? बहन से भी ज्यादा था। अब्बू बहन के ज्यादा करीब थे, मगर अब्बू के करीब मैं ज्यादा था। ऐसा ये तुम समझते हो? नहीं, मुझे लगता है कि मैं सही समझता हूँ। हालांकि शादी के बाद भी उन्होंने तुम्हें मारा पीटा एक आध दफा? हाँ, मतलब एक आध दफा मैं समझता सिर्फ एक दफा। उसके बाद थोड़ा सा मैं बेयकीनी के आलम में हूँ, छोटा सा ब्रेक देते हैं, वापस आके शहूद अलवी से पूछते हैं कि ये माजरा क्या है। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए मेरी माँ। वेलकम बैक होती नजरात, आप देख रहे हैं मेरी माँ, और मेरे साथ हैं शहूद अलवी। उन्होंने बताया कि शादी के बाद भी वालिद ने उनको मारा पीटा। आपको बड़े मजे की बात? हाँ बताएं यार, ये मैं सुनना चाहूंगा। अब्बा को एक जगह किसी बात पे आया था गुस्सा, ये याद नहीं क्या नहीं, मैं दूल्हा बनने के बाद, अभी दूल्हा बनने से पहले का बता रहा हूँ। जिस दिन मेरे घर मेरे ससुराल वाले, वो होता है ना बरी बरी का सिस्टम, आते हैं मिलने के लिए, तो वो आने वाले थे, तो मुझे याद नहीं पड़ रहा वजह क्या थी। अब्बू को गुस्सा आया किसी बात पे ना, तो अब्बू ने मुझे, सहन में मैं खड़ा हुआ था, तो अब्बू ने उस वक्त रबड़ की चप्पल पहनी हुई थी, तो अब्बू ने वो चप्पल उतारी किसी बात पर। उन्होंने कहा तुम इधर आओ जरा, तो मैं पास जाके खड़ा हो गया। मैं कहा जी अब्बा, और उन्होंने गुस्सा करना शुरू किया, और गुस्से गुस्से में फिर वो चप्पल मेरे मुंह, पहले इधर से पड़ती थी फिर इधर से पड़ती मुंह पे। अच्छा, अच्छा आप सादतमंद थे इनके, आप माल चुपचाप खाते थे? बड़ा चुपचाप। आप ये नहीं कहते थे क्या कर रहे हैं, ना करें, नहीं ना करें, अब्बा जान ना करें, कभी जिंदगी कुछ भी नहीं है सर, कभी जिंदगी में यहाँ। और उसी लम्हे जब मैं पिट रहा था, तो मेरे ससुराल वाले एंटर हो गए, उन्होंने मुझे मेरे बाप से पिटते हुए देखा है, फौरन हांग की होगी, और जैसे ही अब्बू ने उनको देखा, उन्होंने कहा यही हमारी बेटी करेगी अब तो आपकी बीवी भी मारती होगी यार, मुझे लगता है आपको आदत हो गई मार खाने की। नहीं ऐसा नहीं ना, उस मैंने कभी अपने बच्चों को यार, मैं अगर घुसता और उस आपकी शक्ल देखता मार खाते हुए, और मेरी बेटी की आपसे शादी होने, तो मैं तो मना कर देता यार।
शादी के लिए मना? हाँ हाँ, मैं कहता ना भाई नहीं, मेरे ससुराल वाले जरा बहादुर थे इस मामले में, उन्होंने मना नहीं किया। उनको पता था ये तो 13 साल से लगा, 8-10 साल तो हो गए होंगे आशिकी में उस वक्त तकरीबन 7। तो आप तो मशहूर हो चुके होंगे, दोनों तरफ से आग लगी हुई थी ना, लेकिन हाँ उधर भी थी, वो भी पसंद करती थी, मैं भी पसंद करती। उन्होंने भी कई रिश्ते ठुकराए और नहीं, मैंने हुआ होगा यकीनन।